हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडविला पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 13, इंग्लिश क्लास 8 की वर्कशीट है। डेट है 2 सितंबर। टॉपिक है पार्ट 1 लेसन सुनामी। सुनामी आपने सुना होगा कि देखिए लॉकडाउन के पीरियड में इंडिया जो है बहुत ज्यादा नेचुरल डिजास्टर से भी अफेक्ट हुआ है। लुक एट द न्यूज आफ्टर 4 to 5 months, आप 4-5 महीनों की और थोड़े से पहले की न्यूज भी देखेंगे तो कुछ प्लेसेस आपको पता चलेंगे जिनमें नेचुरल डिजास्टर मतलब तबाही आई है। जैसे कि फ्लड का एग्जांपल दें तो तेलंगाना में आया था एक बार, लैंडस्लाइड उत्तराखंड में, और अर्थक्वेक दिल्ली में भी आ चुका है। तो इस लेसन में यू विल रीड अनदर नेचुरल डिजास्टर जिसका नाम है सुनामी। इसमें टी साइलेंट है बच्चे, सुनामी पढ़ते हैं। 26 दिसंबर 2004 को आया था सुनामी ने इंडिया के पार्ट्स को, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड को और तमिलनाडु को बैडली अफेक्ट किया था और कुछ कंट्रीज को और। ठीक है, तो सुनामी एक क्या होता है, सुनामी होता है क्या पहले जान लेते हैं कि लार्ज एंड पावरफुल वेव्स होती है कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर सी। समुद्र के अंदर जब अर्थक्वेक आता है तो जब ये जो पानी की लहरें हैं ये बड़े लेवल पे जब इस तरह से जाती है, आप ये देखिए, ये देखिए आ रही है इस तरह से लार्ज पावरफुल वेव्स होती है जिससे जो पूरा पूरा इलाका ही भाग के ले जाती है, इसको बोलते हैं सुनामी। कैन यू आइडेंटिफाई एंड राइट द प्लेस ए और बी। तो हम ये देख रहे हैं कि ए तो अंडमान एंड निकोबार है जहाँ सुनामी आई थी, वो ये लिखा हुआ है देखिए, ठीक है, और बी है तमिलनाडु कोस्ट पे आई थी, तो बी इज तमिलनाडु। क्लियर हो गया ना। नाउ सुनामी कॉज ह्यूज डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन होता है तबाही। सुनामी की वजह से बहुत तबाही आई थी, लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान हुआ था, बहुत से लोग मर गए, बहुत से लोगों की प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। हेयर आर सम स्टोरीज, कुछ यहाँ पे साहस और सर्वाइवल की कहानियां हैं, कुछ लोगों ने कैसे सफर दिखाया और कैसे जिंदा रहे और उनके साथ भी कुछ लोग जिंदा रहे। तो दी स्टोरीज आर फ्रॉम द अंडमान निकोबार एपियर आर्किपेलागो। तो अंडमान निकोबार की जो आर्किपेलागो है वहां से ली गई है। इग्निशियस वाज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कछाल। कछाल में कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वहां का मैनेजर जो था वो मैनेजर था इग्निशियस था। हिज वाइफ वोक अप, उसकी पत्नी उठी 6 बजे सुबह, तो उसको उठाया भी बिकॉज शी फेल्ट, उसको अर्थक्वेक का महसूस हुआ। इग्निशियस केयरफुली, उसने सावधानी से अपने टेलीविजन को टेबल से नीचे रख दिया, पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, टीवी को नीचे रख दिया कि टीवी गिर ना जाए, एंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि गिरे नहीं टूटे नहीं। Then the family rushed out. Family भागी बाहर, घर से बाहर भागी फटाफट। When the tremor stopped, जैसे ये tremor stop हुआ, they saw sea rising. उन्होंने देखा कि भई जो ये कांप रही थी, अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, कांप रही थी, तो वो घर से बाहर आए, वो रुक गया। अब एकदम से उन्होंने क्या देखा कि they saw the sea rising, कि समुद्र का लेवल उठ रहा है, उठ रहा है। In the choice and confusion, choice है, confusion बदल है, confusion चल रही है। Two of the children जो इस अफरा तफरी में, जो उसके 2 बच्चे थे कॉट होल्ड, उन्होंने अपनी माँ मदर्स फादर, मदर के पापा का और मदर्स ब्रदर का हाथ पकड़ लिया, समझ गया, नाना का और मामा का, एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। मान लो सुनामी इधर से आ रही है, लहर उपड़ रही है, तो उल्टी डायरेक्शन में भागे। ही नेवर सा, ही कौन, इग्निशियस ने उनको कभी दोबारा नहीं देखा, क्यों नहीं देखा होगा, नेचुरल है, वो बह गए होंगे सुनामी में। His wife also swept, उसकी वाइफ भी बह गई। Only the 3 children, जो 3 अदर चिल्ड्रन थे जो उसके साथ आए थे, सिर्फ वही बच पाए थे। तो ये है इग्निशियस की कहानी सर्वाइवल की। अब आते हैं संजीव के बारे में। संजीव एक पुलिसमैन था और सर्व करता था कछाल में ही, आइलैंड में, निकोबार ग्रुप के आइलैंड में। He someone managed to save himself, अपने आप को उसने बचा लिया, अपनी वाइफ को बचा लिया, किसने, संजीव ने बचाया था, ठीक है, और बेबी डॉक्टर को बचाया था फ्रॉम द वेव। बट देन ही हर्ड क्राइज, उसको चिल्लाने की आवाज आ रही थी, हेल्प हेल्प हेल्प। वाइफ ऑफ जॉन, एक जॉन है जो उसका गेस्ट हाउस कुक है, उसकी वाइफ की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, तो वो जंप कर गया वाटर में उसको बचाने के लिए, लेकिन दोनों के दोनों बह गए, ठीक है, यानी उसने अपनी बेबी को और बच्चे को तो बचा ही लिया था, लेकिन बाकी वो खुद बह गया क्योंकि वो किसी और की वजह से उसको बचा रहा था। 13-year-old मेघना was swept away. 13 साल की मेघना भी बह गई थी अपने पेरेंट्स के साथ and 77 other people के साथ, बहुत सारे लोग बह गए थे। She spent 2 days, उसने 2 दिन
फ्लोट करते हुए सी में बिताए। एक वुडन डोर, एक वो लकड़ी का दरवाजा तय रहा होगा, उसको उसने पकड़ रखा था। दो दिन तक ऐसे ही वो रही। 11 टाइम्स शी सारे 11 बार उसने रिलीफ हेलीकॉप्टर देखा जो उसके ऊपर सर के ऊपर से जा रहे होंगे रिलीफ वाले हेलीकॉप्टर, बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन्होंने इसे नहीं देखा। शी वाज ड्रॉप टू शोर बाय अ वेव, वेव के द्वारा, लहरों के द्वारा वो किनारे आई, बह के आ गई, और वहां पे उसने एंड फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। डेज मतलब बेहोशी की हालत में थी, तो किनारे पे आ चुकी थी, इस तरह से उसकी सर्वाइवल हुआ। चलिए अब कंप्लीट करते हैं सेंटेंस को। मेघना स्पेंड टू डेज फ्लोटिंग इन द सी, सी में फ्लोट करते हुए तो दो दिन बिताए थे, ये लिखा हुआ यहाँ पे। उसके बाद शी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड, ये लिखा ना ओवरहेड, अपने सर के ऊपर उसने देखा लेकिन उन्होंने इसे नहीं देखा। संजीव जब वाटर में कूदता है रेस्क्यू करने के लिए अपनी वाइफ को, ओ गेस्ट हाउस कुक की वाइफ को, बट दे पर बहुत स्वाप हुआ, दोनों ही भेज जाते। अब इग्निशियस सिर्फ वो तीन बच्चे को बचा पाता है जो उसके साथ आए थे, यही था ना, देखिए यहाँ लिखा हुआ, बाकी सब तो बह गए थे, उसकी पत्नी वत्नी सब बह गए थे, बच्चे बच्चे, लेकिन यहाँ लिखा है जो बच्चे उसके साथ आए थे उनको ये बचा पाया था। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन योर ओपिनियन विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव, संजीव के बारे में कौन से वर्ड डिस्क्राइब करते हैं? ये ऑप्शन है चेयरफुल, ब्रेव, केयरलेस, हीरोइक, सेल्फलेस, या हार्टलेस। आई थिंक ही वाज वेरी ब्रेव, वो बहादुर तो था ही, हीरोइक भी था, हीरो के गुण थे उसके अंदर, और सेल्फलेस भावना थी, यानी अपना निस्वार्थ भावना नहीं था, क्योंकि वो तो बच चुका था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मैं बच गया, उसने दूसरे की पत्नी को बचाया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप बताइएगा कि एक लड़की ने जो दो दिन तक समुद्र में दरवाजे को पकड़ के तैरती रही, उस लड़की का नाम क्या है? लड़की का नाम, ये क्वेश्चन है आपके लिए कमेंट में, और ये स्टोरी स्टार्ट कंटिन्यू रहेगी नेक्स्ट ऑप्शन में भी, वीडियो के माध्यम से आप जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, कमेंट करना ना भूलें।